सो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि आप बैनर कैसे बना सकते हो, थंबनेल बैनर कैसे बना सकते हो। दोस्तों अच्छा खासा 3D मैक थंबनेल या बैनर कैसे बना सकते हो। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ, यूट्यूब से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। मेरा नाम है राजू, आप देख रहे हैं राजू टच। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। चुके हैं डिस्प्ले पे। दोस्तों आपको एक 3D थंबनेल बनाना है या बैनर, अच्छा खासा एक 3D बैनर बनाना है या थंबनेल, तो बढ़िया मैं बता दूं आपको ऐसा एप्लीकेशन जो कि आप कहीं नहीं देखे होंगे। वो दोस्तों आपको एप्लीकेशन एक डाउनलोडिंग करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तभी आपको जान पाएंगे कि ये कौन सा एप्लीकेशन है। दोस्तों आपको जाना पड़ेगा पहले प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च कीजिए पिक्सल लैब्स। यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों इसको डाउनलोडिंग कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोडिंग करके रखा हूँ, आप लोग डाउनलोडिंग कर लेना। तो मैं डाउनलोडिंग करके रखा हूँ, तो चलिए मैं अपने एप्लीकेशन को खोलता हूँ। इधर से पिक्सल लैब खुल गया दोस्तों। यहाँ पे खोलने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। खोलने के बाद दोस्तों इस पर आने के बाद दोस्तों फ्रॉम गैलरी पे जाइए। फ्रॉम गैलरी पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी एक बैनर ले लीजिए या फोटो या बैकग्राउंड थंबनेल आपको मिल जाएगा। क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कीजिएगा थंबनेल बैकग्राउंड यूट्यूब। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो इधर से मैंने ले लिया एक थंबनेल, ठीक है। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, इधर से डिलीट मार दिया, थंबनेल ले लिया। दोस्तों इधर से आपको इधर थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक इमेज साइज लिख रहा होगा, इसमें इमेज साइज लिखा है, तो इमेज साइज पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है एक 3D, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कस्टमाइज सक्रिय प्रोफाइल पिक्चर सक्रिय यूट्यूब चैनल बैनर यूट्यूब थंबनेल फेसबुक कवर आर्ट गूगल प्लस कवर फोटो ट्विटर हार्ड साइज। दोस्तों यहाँ पे आप लोग सब लगा सकते हैं, यहाँ पे जिसका मन के उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूट्यूब चैनल बैनर दिया है, इस पर यूट्यूब थंबनेल दिया है। तो हम लोग को थंबनेल बनाना है, तो इस पर हम लोग थंबनेल पे क्लिक कर दिए। क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ऑलरेडी ही आपका थंबनेल में साइज बन जाएगा, ऑलरेडी साइज बन जाएगा यूट्यूब के लिए बैनर के लिए। बनने के बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा वीडियो में, लास्ट तक बने ये वीडियो में तभी आपको समझ पाएंगे अच्छा तरीका ले। इधर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आइए, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनपुट पे आने के बाद दोस्तों क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप एक फ़ोटो ले लीजिए, अच्छा खासा एक फ़ोटो ले लीजिए। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ इधर से, मैं फ़ोटो ले लिया यहाँ से। इसको डन, इसको छेड़िए मत। इधर आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है साइज लिखा है। इस पर साइज पर क्लिक कीजिए। साइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको देखिए जितना मन के जितना बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इधर से आप लोग ले लीजिएगा अपना हिसाब से साइज, मैं रख लेता हूँ अपने हिसाब से रख लिया। इधर रखने के बाद दोस्तों इसको डन कर दिया हम लोग। डन करने के बाद दोस्तों इधर आपको स्टॉक पे आने के बाद दोस्तों ये देखिए ये हो गया स्टॉक हो गया। इधर आने के बाद दोस्तों ये फोटो का लाइन में रहता है ना, ये देखिए थोड़ा लाइन, ये देखिए लाइन बन जाता है, इसका फोटो के किनारे किनारे पे लाइन बन जाता है, ये देखिए। तो हमको लाइन बनाना अच्छा तरीका ले, तो इसको ऐसा करते हैं। ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हो गया, ये काम हो गया। हमको अब टाइटल लगाना है, यहाँ पे टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट लिखना है। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको, ए पे क्लिक करने के बाद देखिए टेक्स्ट लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट लिखा है इधर, तो इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। इधर क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जो मन करे वहाँ पे लिख सकते हैं, आपका कुछ भी मैं लिख लेता हूँ थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ पे आप एक फोटो जिसके
लिए आप एक फोटो जिसके लिए मैं लिख लिया इतना इतना लिखने के बाद डन डन हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको हम लोग स्क्रॉल करें नीचे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों ये देखिए फाउंड फाउंड यहाँ पे आ रहा है, एक ए बी लिखा है उसके सामने जस्ट नीचे फाउंड लिखा है, तो फाउंड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फाउंड भी चेंज कर सकते हैं अच्छा तरीका है। ये देखिए यहाँ कितना फाउंड दिया है, बहुत बहुत फाउंड दिया इधर, आप लोग जिसका मन करे उस पर लगा सकते हैं। तो मैं लगा लेता हूँ इधर, ये वाला लगा लेता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग इधर से यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस ये देखिए इसका साइड में कलर लगे, जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो मैं इतना रख लेता हूँ। रखने के बाद दोस्तों ये देखिए शो ड्रो लिखा है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका साइड में ब्लैक ब्लैक आ जाता है, देखिए ये देखिए आ गया, डन डन हो गया। आपको कलर कलर लेना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर लिखा है, तो कलर लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक कलर ले लीजिए कोई सा भी, तो मैं कलर लेता हूँ पीला वाला, तो मैं कलर ले लिया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग साइज बढ़ा सकते हैं, साइज लिखा था साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे देखिए जितना मन का उतना साइज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं साइज रख लेता हूँ इतना इतना। रखने के बाद दोस्तों यहाँ पे डन हो गया, डन हो गया। आप लोग जितना मन के उतना लगा सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। अब और देख लीजिए एक बात और, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं इधर से। आप बैकग्राउंड भी लगाना चाहते हैं तो चलिए मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कैसे लगेगा दोस्तों। ये देखिए एक गोल पड़ा है इधर, गोल गोल यहाँ पे है दोस्तों। यहाँ पे गोल पे क्लिक कीजिए, गोल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इनपुट इनपुट पे फेन आइए, फिर आइए इनपुट पे। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई समय बैकग्राउंड ले लेता हूँ यहाँ से कोई सा भी, एक पीएनजी यहाँ पे, ये पीएनजी ले लिया मैंने, इसको डन कर दिया। इसको साइज मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको इधर से छोटा कर लिया छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद दोस्तों इसको छोटा डन डन कर दिया। ये देखिए स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद इरेस कलर यहाँ पे क्लिक कीजिए, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको अनेबल अनेबल करने के बाद दोस्तों ये देखिए आप लोग बैकग्राउंड इसका चेंज हो गया, ये देखिए हो गया दोस्तों आप लोग का पीएनजी, ये देखिए हो गया। इसको डन अच्छा तरीके से अपने से, ठीक है, जितना मन के उतना कर लेना अपने हिसाब से। मैं आपको बताने के लिए इतना कर रहा हूँ, नहीं तो मैं फुल बनाता हूँ, वीडियो लंबा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए सेव का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे सेव एस प्रोजेक्ट सेव एस इमेज, इमेज पे हमको सेव एस इमेज पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव टू गैलरी मेरा ये सेव हो गया। सो हेलो गाइस, तो कैसा लगा आज की वीडियो बताइएगा मेरे को कमेंट करके दोस्तों। आज की वीडियो पिक्सल लैब आप लोग जाइए वहाँ से डाउनलोडिंग करके वहाँ से आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ दोस्तों। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।